हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका हेल्थी एटॉमिक के अंदर। आज हम बात करेंगे एटॉमिक के ऑर्गेनिक ओट मील के बारे में। एक परफेक्ट मील जो आपके मॉर्निंग के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसको आप अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप जब चाहे तब खा सकते हैं। जैसे आपको ओपन करना है, आपको सम वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर आप इसको ऐड करेंगे और इसको कंज्यूम करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। ये काफ़ी टेस्टी है और ये आता है फ्रूट्स एंड नट्स के कॉम्बिनेशन के अंदर, जिसके अंदर आपको सभी तरह की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, वो इसका सेवन कर सकते हैं, इसको कंज्यूम कर सकते हैं, अपने ब्रेकफास्ट का एक डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं, जिसके थ्रू उनकी पूरी बॉडी के अंदर फैट नहीं जाएगा बट उनके बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइट जाएगी। इसके अंदर ज़ीरो ऐड करा गया शुगर, 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन है इसके अंदर और 5 ग्राम ऑफ फाइबर इसके अंदर ऐड करा गया है। अगर आप इसको और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप बनाना, वॉलनट, कैशू, चाई सीड्स, हनी और ना जाने अलग अपने अकॉर्डिंगली इसको आप बना सकते हैं। हेल्थी न्यूट्रिशियस डाइट होने की वजह से आप इसको हर जगह पे कैरी करके लेके जा सकते हैं और इसको जब चाहे उसके अकॉर्डिंगली आप इसको खा सकते हैं। जैसे आपको नॉर्मल वाटर ऐड करना है या गर्म पानी आप उसके अंदर ऐड करेंगे और इसको आप कंज्यूम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एटॉमिक ऑर्गेनिक ओट मील आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल देता है। जैसे यह एक हाई एंटीऑक्सीडेंट रेसिपी है, हाई इन फाइबर एंड हाई प्रोटीन आपको इससे मिल जाता है। आपके बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एलडीएल को प्रॉपर तरीके से मैनेज और स्टेबल रखने में काम करता है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखेगा। आपके हेल्थी ऑर्गेनिक ओट मील जो कि हमारे पास अवेलेबल है, ये ग्लूटेन फ्री है, नॉन जीएमओ है, जिसके वजह से आप इसके ऊपर आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं। कोशर रेटिंग सर्टिफाइड है। अब बात करते हैं कि आप इसे कब कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिफोर आफ्टर वर्कआउट या होम वर्कआउट के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मिड डे स्नैक की तरह इसको यूज़ कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं 4 या 5 बजे या 6 बजे एक स्नैक का टाइम रखते हैं, उस स्नैक के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसको डिनर के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने पूरे वेट को मैनेज कर पाएंगे। अलग अलग रेसिपी के साथ इसको आप ट्राई कर सकते हैं और इसको और भी हेल्थी बना सकते हैं और डिलीशियस बना सकते हैं। बात करें डिलीशियस की, तो इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप बनाना, इसके अंदर आप पाइनएप्पल, इसके अंदर आप अनार, इसके अंदर आप कैशू, इसके अंदर आप स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, एसलबेरी, बहुत सारे जितने भी बेरीज हैं आप इसको अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेरीज जो हैं वो एक डार्क फ्रूट रहता है जो आपके बॉडी में स्किन को ग्लो लाने में काम करता है, आपके ब्रेन को बूस्ट करता है, वेट लॉस में आपको हेल्प करता है और साथ ही साथ आपकी विजन को अच्छी तरीके से बूस्ट करने का काम करता है। तो अगर आप इसको हेल्थी न्यूट्रिशियस डाइट बनाना चाहते हैं तो इस ओट मिल्क के साथ अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आप अपनी बॉडी को कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसके अंदर फैट नहीं है बट उसके अंदर आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की सारी शक्तियाँ उसके अंदर अवेलेबल है, जिसको कंज्यूम करने के बाद आप अपनी पूरी बॉडी को हेल्थी बना सकते हैं। इसके अंदर आप फ्रूट स्लाइड्स की तरह इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप दही डाल सकते हैं, इसके अंदर आप ग्रैनोला डाल सकते हैं, जिसके वजह से इसका टेस्ट और इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे जो आपके बॉडी के अंदर खाने को पचाने की क्षमता को और फास्ट कर देगा, जिससे आपका खाना बहुत ही जल्दी पच जाएगा। एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स को रिलीज़ करता है जिसके थ्रू आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाने के बाद आप अच्छी तरीके से उस खाने को पचा पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी वो नहीं है जो आप खाते हैं, आपकी बॉडी पूरी बॉडी वो है जो आप पचाते हैं। दैट मीन्स अगर आपका डाइजेशन स्ट्रांग है दैट कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी के अंदर उन सारी प्रॉपर्टीज़ का जो भी निचोड़ होगा आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाएगा और ब्लड फ्लो अगर आपका अच्छी तरीके से फ्लो कर रहा है या रन कर रहा है तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन रहेगा वो अच्छी तरीके से पंप कर पाएगा और आपकी पूरी बॉडी हर एक एरिया को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाएगी। इसके अंदर आप कुछ नट्स डाल सकते हैं, जैसे ग्राउंड नट्स डाल सकते हैं, वॉलनट्स डाल सकते हैं, कैशू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, जिसके थ्रू इसको और टेस्टियर आप बना सकते हैं। इसके अंदर आप हनी या मैपल सिरप या चॉकलेट सिरप भी आप डाल सकते हैं, जिसके थ्रू इसके टेस्ट को आप और अच्छी तरीके से बेटर बना पाएंगे। तो करना क्या है, जस्ट स्टियर, पुश इन एंड ऐड सम हॉट वाटर एंड स्टिर एंड एंटायर कंज्यूम इट। यहाँ पे इसके अंदर आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती है यूज़ करने के ऊपर और साथ ही साथ ये आप अगर इसको अपने डेली यूज़ करेंगे ब्रेकफास्ट के अंदर तो कहीं ना कहीं आपका वेट कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा। इसको कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है, 100% नेचुरल एंड सेफ है, बट मेक श्योर जब भी आप इसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर ऐड करें तो वो शुगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ना हो, क्योंकि शुगर आपकी पूरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं हार्म करेगा आपकी बॉडी को, जिससे आप अपने वेट को या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि इसके अंदर हनी का ऐड ज़्यादा करें, गुड़ का
यूज़ ज़्यादा करें, जिसके थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर मीठापन भी आपको मिल सकेगा और उससे आपको डैमेज भी नहीं होगा आपकी पूरी बॉडी को। सो आई होप इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आप इस ऑर्गेनिक ओट मील को अपने ब्रेकफास्ट के अंदर या अपने डिनर का पार्ट ज़रूर बनाएंगे, जिससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशनिस्ट डाइट है आपकी पूरी बॉडी को मिल सके और उससे आपका वेट भी इंक्रीज़ ना हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।